हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यू आर हेल्दी, यू आर सेफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग घर पे हो, एंड इक्वली इम्पॉर्टेंटली यू गाइस आर परस्यूइंग सम हॉबी, सम पैशन, डिवेलपिंग सम न्यू स्किल सेट। बिकॉज इफ यू आर नॉट मेकिंग गुड ऑफ द टाइम दैट वी हैव, देन वॉट आर वी रियली डूइंग? सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड दिस इज़ द सेकेंड सॉन्ग ऑफ द सीरीज रिविजिटेड बाई अपूर्वा। नॉर्मली मेरा म्यूजिक या मेरी पोएट्री का जो वीडियो होता है, सो आई मेक इट श्योर, और पर्टिकुलरली आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसमें ना बोलूँ। द ओनली रीज़न मैं इस सेकेंड गाने से पहले थोड़ा सा बोलने वाला हूँ, द ओनली रीज़न इज़ दैट दिस सॉन्ग हैज़ गिवन मी सो मच दैट प्रोबेबली नो अदर बुक ऑफ फिलोसफी could have ever given me. This song is like a pep talk, like a motivational word format for me, whatever you call it. The simple reason for this is because of course maine ye gana bachpan se sunta aa raha hu main, but jab maine bada hoke in my adulthood as we speak maine jab ye gana pehli baar suna as an adult, wo gaane ka context, uska meaning, उसका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इतना अलग तरीके से मुझे हिट हुआ। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बोला है एक दो बार कि देर वॉज अ टाइम जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट से पूरा दूर चला गया था, ये गाने ने मेरी आंखें ऐसी खोल दी कि मतलब बहुत सारे मेरे पहले दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स ट्राई करते थे कि तुम परफॉर्मिंग आर्ट्स एटलीस्ट एज अ हॉबी और एज अ लेट आउट और एज अ वेंट आउट तुम वापस ले लो, बट फॉर सम रीज़न नहीं होता है ना, हर चीज़ का एक सही टाइमिंग आना चाहिए। हमेशा सोचता था लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कैसा लेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज इवन आफ्टर माई फर्स्ट वीडियो, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय द लव ऑफ यू ऑल, ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ ही आए हैं, जितने भी आए हैं 95%, बट जो बाकी का 5% होता है ना, वो कचरा थोड़ा अलग ही होता है। मतलब उसमें ऑनेस्टी कम होती है, और जो करीबी लोग होते हैं ना आपके, वो आपके पास आके ऐसे हल्के से बोलेंगे कान में या वर्चुअली कान में, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, कि भाई ये करने की ज़रूरत थी क्या, या मतलब क्यों कर रहे हो अभी इतने सालों के बाद, गाना क्यों गा रहे हो, क्या मिलेगा गाना गा के, कुछ हासिल करना है क्या? देन देर आर ऑल्सो फ्यू हु आर रियली जेलस कि यार इस बंदे ने समहाउ ही मस्टर्ड द करेज टू फाइंड समथिंग दैट वॉज लॉस्ट। सो तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के ख्यालात होते हैं, बट मे बी एट दिस एज आफ्टर गोइंग थ्रू इनफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ फॉर अ बेटर वर्ल्ड, एक चीज़ सीखी है कि जो करना है वो ऑनेस्टली करो, मेहनत से करो और करते रहो। लोग क्या कहेंगे वो लोग देख लेंगे, लोगों की फितरत होती है वो बोलना, है ना, तो हमको उतना सोचना नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो ये गाना सबसे पसंदीदा गानों में से एक है जैसा बोला। सेकेंड थिंग, आप में से ऑलमोस्ट हर एक ने मुझे बोला कि एकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो, तो बात ठीक है, सही है, पॉसिबिलिटी भी कम है अभी लॉकडाउन की वजह से, एंड अच्छा लग रहा है ओवरऑल फील, बट अगर तानपुरा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो मैंने थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश की है, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के स्पीकर एंड दिस माइक्रोफोन दैट आई एम यूजिंग, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसे आएगी, स्पेशली तानपुरे के साथ, आई होप अच्छी आएगी। आई एम इम्प्रूविंग, आई एम लर्निंग, एंड दैट्स रियली वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जैसे चार पाँच छः वीडियोज़ निकलेंगे गाने के, आई थिंक आई विल गेट सेट अप एंड यूज टू विद दिस फॉर्मैट ऑफ रिकॉर्डिंग माई कॉन्टेंट, स्पेशली माई म्यूजिक। या सो हैविंग सेट दैट, प्लीज़ ऐसा ही प्यार बना के रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टोटल 4 प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, रिविजिटेड बाय अपूर्व, क्रॉनिकल्स ऑफ पोएट्री और मंथन बाय अपूर्व, रूट्स इन ओब्लिवियन एंड ब्लैब इट आउट। कुछ पॉडकास्ट है, कुछ मेरी पोएट्री है, कुछ मेरा म्यूजिक है, एक मेरा बुक के बारे में है, मेरे बुक में कैसे लिखा, क्या लिखा। सो एवरीबडी, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि एवरीबडी गेट्स देयर हैंड्स एंड देयर हेड्स रैप्ड अप अराउंड सम कॉन्टेंट दैट दे लाइक, एंड हैंस द 4 प्लेलिस्ट। सो यस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आपका प्यार ऐसा ही बरकरार रखिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, लाइक करना भूलिए मत, बिकॉज देन दैट मेक श्योर कि वो वीडियो आगे पुश हो ज़्यादा से ज़्यादा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैं हैंडल हमेशा डालता ही हूँ, इंस्टा हो, FB हो, LinkedIn हो, YouTube तो है ही,
तो सारी जगह पे भी शेयर कीजिए। एंड यस दैट्स अबाउट इट। तो सुनिए गाना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये गाने की ट्यून तो अच्छी है ही। मेरा सिंगिंग आपको पसंद आए ना आए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये गाने के वर्डिंग समझिए, बिकॉज ये गाना आई थिंक इतना सुपर हिट हुआ, द ओनली रीज़न वॉज इट्स वर्डिंग्स एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द वर्डिंग्स। एंड इन स्पाइट ऑफ द सिंप्लिसिटी, इतना बड़ा मैसेज का कैनवास कवर किया इस गाने ने। यस सो मैं अपना बोलना यहीं पे ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड ये गाना सुनिए अभी। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुए। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुए। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने भी उनको छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों से, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।